सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। उमर, तुम्हें अपने दोस्त के जरिए महल में मेरा राब्ता करवाना होगा। मेरे बाबा अब्दुल हमीद के पास हैं और मुझे उन्हें बचाना है। पायाए तखमे है वो क्या? जी हाँ बिल्कुल। और मलिका बरतानिया बहुत खास अफराद की बेगमात को ये तोहफे में दिया करती हैं। इन तस्वीर में मौजूद तमाम खवातीन अंग्रेजों के तैनात शुदा गवर्नरों की बेगमात हैं। सुल्तान मौजम, तोहफा है, हमें तोहफा दिया गया था। आपके शोहर जिंदान में फांसी के मुंतजर हैं, और आप भी हरम से बाहर कहीं जाने की कोशिश न करें, ताहयात कैद समझें अपने आप को। मेरे सुल्तान, उन सिपाहियों का इंतखाब मेहमत पाशा ने किया था जिन्होंने गद्दारी की थी। मुझे कैसे पता चलता कि वो सिपाही गद्दारी करने का इरादा रखते हैं? मैं बेकसूर हूँ सुल्तान मुअज्जम। बहुत दौलत कमाओगे तुम। यूसुफ काम में कितना माहिर है ये आप जल्द देख लेंगे। गिरफ्तार कर लें मेहमत पाशा को। जो हमें चाहिए वो जर्मन में होगी। हमें क्या मालूम कि जर्मन में कौन सी है। इन सबको ही ले चलते हैं। अब्दुल कादिर के पास से वो तस्वीर चुरा ली है मैंने, लेकिन और तस्वीर भी हो सकती हैं उसके पास। हमारे पास उस तस्वीर का अक्स है, थोड़ा इंतजार करें, फिर तस्वीर हमारे हाथ में होगी। मेरे सुल्तान, शायद ये वही दस्तावेजात हैं जो आपने लाने के लिए कही थी। बिल्कुल, हमारा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। जर्मनों ने पहले हथियार थोड़ी तादाद में भेजे और फिर तादाद बढ़ाते गए। क्रुक तोपें, माउजर राइफल, आफरीन फरजंद। पाशा, आप जानते हैं क्या करना है। आफरीन, ये दस्तावेजात दुनिया की सियासत तब्दील कर देंगी। अब वो मिलकर दुनिया पर कब्जा करने वाली नहीं बल्कि एक दूसरे से लड़ने वाली रियासतें बन जाएंगी। आफरीन फरजंद, इससे नौआबादियाती निजाम कमजोर पड़ जाएगा। इंशाल्लाह मेरे सुल्तान। कुछ कहना चाहते हो? मेरे सुल्तान, जाहरूफ का ताकुब करना चाहता हूं मैं। वो क्यों? मुझे लगता है वो जंग के बारे में बहुत कुछ जानता है, उसे यहां लाकर तफ्तीश करेंगे। फर्जंद, सियासत का पैमाना हसास होता है। इंसान के मकासद जानते हुए भी आप उसे छू नहीं सकते। इसलिए नहीं कि मुश्किल है, बल्कि उसकी मौत से कुछ हासिल नहीं, क्योंकि उसके बाद कोई और उसकी जगह ले लेगा और दूसरे को पहचानने में वक्त जाया होगा। यानी उमर अफंदी, जिसे आप जानते हैं वो दुश्मन उस दुश्मन से बेहतर है जिसे आप नहीं जानते, जिसकी मिसाल तुम्हारे सामने है। तुम्हारी लाई हुई ये दस्तावेजात, अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। फर्जंद। जी सुल्तान मोहसिन। जाहरूफ का ताकुब मत करना, तुमने काम कर दिया, काफी है। जरा बात सुनो, यहां डरो मत।
जी कहिए। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें। कैसे जानते हैं आप मुझे? सारा, सारा हिदाया के लिए काम करती थी तुम। मलिके को आईने में जहर छुपाकर तुमने ही दिया था, सारा के कहने पर। ये झूठ है जनाब, बस करे, सच नहीं है। यही सच है। एक ही कश्ती के सवार हैं हम। तुमसे एक दरखास्त है बस। यूं समझो सारा की पुश्त पर मौजूद कुवतें ये चाहती हैं। अगर मुझे जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मैं क्या कुछ कर सकती हूं, तो कहिए क्या करना है। ये सनेहा सुल्तान को दे देना। ये लो, ठीक 10 बजे बीदार और अब्दुल कादिर को तुम बावर्ची खाने में लेकर आओगी। उनसे कहना कि अभी जो आदमी आएगा वो महल के बावर्ची खाने में काम करता है, उम्मीद है कामयाब होगा। ये आपको मायूस नहीं करेगा जनाब। ये है हमारे वो भाई जिनका जिक्र मैं आपसे कर रहा था। जनाब हर्जल, आपसे मुलाकात एक एहसास है। जनाब थियोडोर हर्जल, आप उम्मीद की किरण है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया। आइए हम तफसील से बात कर लेते हैं, लेकिन पहले मुझे एक जरूरी काम है तुमसे। मेरे पापा, क्या उन्हें तलाश कर सकते हो तुम? आप बेफिक्र रहें, मेरे इल्म में है ये बात, मैं आपके पापा को ढूंढ लूंगा। रोश शाना के दिन यहूदियों के लिए हदीये तकसीम किए जाते हैं, क्या ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल, और यकीनन आपके बाबा को भी भेजे जाएंगे। उन्हें तलाश करना होगा। मैं बैठ सकता हूं या? हाँ क्यों नहीं। तुम्हारे सामने टूटा हुआ आईना है, तुम देखती क्यों नहीं हो आसन? आंखों में देखो मेरी, इन आंखों ने चुराकर अपने अंदर बसा लिया है तुम्हें, खुद ही देख लो, तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती का एहसास दिलाएंगी। बताओ, अपने दिल से पूछ के बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। मुझे बस तुम्हारे दिल के अलावा और कोई आवाज नहीं सुननी। आसन बताओ मुझे। उमर, तकदीर ने एक रास्ता रखा मेरे सामने। जब मंजिल पर पहुंचा तो एक नया इंसान मेरे सामने खड़ा था। मुझसे कहा कभी रियासत की खिदमत से पीछे मत हटना, वही किया। अपनी जान की बाजी खेली, जंग से कभी नहीं भागा। लेकिन एक दिन उस शख्स ने मुझसे कहा, मैं अपनी सिमत नहीं जानता। फिर उन्होंने कहा सिर्फ दीन से मोहब्बत करना। उन्होंने कहा दिल में रियासत के अलावा किसी को जगह मत देना। कहा इससे आगे किसी चीज की इजाजत नहीं। मगर इस दिल को मजीद नहीं संभाल सकता मैं। जब तुम्हें देखता हूं तो रूह तक कांप जाती है। ये कैसी बेकरारी है? क्या ये खुशी है या ये प्यार है? नहीं जानता ये क्या है। मेरी बात से आसमान हैरान होता है, तो हो जाने दो। क्या ये दुनिया उलट जाएगी? उलट जाने दो। कोई तबाही ऐसी नहीं जो तुम्हारी दूरी से ज्यादा तकलीफ दे हो आसन।
जानती हो, दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं मैं, क्योंकि मैं तुमसे मिला, तुमसे जिंदा रहने का जज्बा मिला, तुम मेरी रूह बन गई, अल्लाह शाहिद है मेरा। मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक मौत ना आ जाए। उमर, कैसे हो हीरा माफंदी, तुम्हारी कोई ख्वाहिश या जरूरत? तुम लोग अभी भी मेरे साथ इंसानियत से पेश आ रहे हो पाशा, मैं ऐसे बर्ताव का आदि नहीं हूं। अल्लाह ने तुम्हें जो वजूद दिया उसे क्यों कीचड़ में डुबो रहे हो, क्यों तबाह कर रहे हो अपने आप को? क्या मैं तुम्हारी नजर में एक गुनाहगार, कातिल और बेहूदा शख्स नहीं हूं पाशा? गुनाह खुद तो गलत है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन गुनाहगार गुनाहों की गंदगी के नीचे कुचला जाने वाला काबिले रहम इंसान है। तुम आजाद हो हिरमाफंदी, जहां जाना चाहो जा सकते हो, लेकिन हमसे जो मुआहिदा किया उसे मत भूलना। मेरी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश है और वो है इंतकाम, मुझे और किसी चीज की तलब नहीं। हमें जो चाहिए वो ले आओ, तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ। सारा कहां है वो? बाहर, वो अब हमारे पास नहीं। सारा के पास जाऊंगा मैं और उसे तुम्हारा मतलूबा राज लाऊंगा। तो हम भी तुम्हें पादरी का पता बता देंगे हीरा माफंदी। उस खलीज इंसान को उसके किए की सजा देने के बाद मैं एक बार फिर इंसान बन जाऊंगा पाशा, और उस वक्त मेरा वास्ता सुल्तान अब्दुल हमीद से जुड़ जाएगा। अल्लाह की जो खिदमत नहीं करता वो उसके खादिमों से भी वास्ता नहीं जोड़ सकता। कौन जाने पाशा, चलता हूं। उमर अफंदी। जी शहजादे। आसन आपको मिल जाए इसका कोई इम्कान नहीं, जानते हैं ना? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सच्ची मोहब्बत जरूर कामयाब होती है। हम एक शहजादे हैं उमर अफंदी, उस्मानी सुल्तान का खून हमारी रगों में दौड़ता है, और अगर हम आसन को चाहते हैं तो आपका कोई इम्कान नहीं। शहजादे, मान लिया कि आपके अजदाद इस रियासत के सुल्तान रहे हैं, लेकिन ये मत भूलें कि खून और रिश्तेदारी ये हकीकत के सामने बातिल हो जाते हैं शहजादे, याद रखिएगा। मतलब क्या है आपका? मेरा मतलब है कि आपका खून चाहे जो भी हो, आपकी रगों का खून भी मेरे खून की तरह सुर्ख है। महल में उन्हें भी इज्जत मिलते देखी है जो सुल्तान के कत्ल की ख्वाहिश में मुलविस हैं शहजादे। खुलकर कहिए, आप मुझसे कह रहे हैं कि रिश्तेदारी है, खून ऐसा है, लेकिन महमूद पाशा जैसे भी हैं जो खुद हमले के दौरान अपने बाजू पर गोली मारते हैं, ऐसे रिश्तेदार पालें और ऐसे ही धोखे खाएं। अगर आप हकीकी शहजादे नहीं बन सकते तो सुल्तान की नजर में आपकी कोई अहमियत नहीं होगी। शहजादे
जनाब, एक और यहूदी भी है जिसका नाम इस फहरिस्त में दर्ज नहीं। तुम कैसे जानते हो कि उसका नाम मौजूद नहीं? दरअसल पिछले साल हम उसे तोहफा भेजना भूल गए थे। वो मुझे बाजार में मिला था और मुझे कह रहा था कि पिछले साल सुल्तान के तोहफे नहीं मिले, बराए मेहरबानी इस साल मुझे मत भूलिएगा। बहुत इसरार कर रहा था। ठीक है, लिख दो इस फहरिस्त में। आ जाए। तुम्हारा बेटा सबातीन हमारे पास है। रात को महल के बाहर एक बग्गी मुंतजिर होगी। महमूद पाशा को अगवा कर लो वरना तुम्हारे बेटे को मार देंगे। सबातीन, ज़ैनब, ज़ैनब कहाँ हो तुम? ज़ैनब, ओ मेरी बहन, ये क्या किया तुमने? चली गई वो, तुम्हारी वजह से चली गई। ज़ैनब, चिल्लाओ मत, पुरसुकून हो जाओ। कहां गई है? कोनिया, हमारी खाला के पास, हमेशा के लिए चली गई है। कुछ दिन रहने दो, फिर वापस ले आना। सरा ये तो बताओ, ये कीमती लिबास कहां से आया? तुम्हारा इससे क्या वास्ता? देखो यूसुफ, तुमने बदकारों से मेलजोल बना लिया है। क्या काम कर रहे हो आजकल? देखो उमर, मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा, मैं अपने काम से मुतमईन हूं। बात को समझो, वो आदमी अकेला नहीं है। यूरोप हम पर जंग मुसल्लत कर रहा है, वो नुमाइंदा है दुश्मनों का। तुम्हें तकलीफ मुझसे है क्योंकि मुझे एक अच्छी मुलाजमत जो मिल गई और अब तुम मेरे लिए मुश्किल खड़ी करना चाहते हो, है ना? अल्लाह मुझे सब्र दे, मैं उस आदमी को पकड़कर सब गुलवा लूंगा, फिर पता चलेगा कि किसके साथ काम कर रहे हो। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम बस उस महल वाली लड़की से बातें करो, खुशी मिलेगी तुम्हें। उस आदमी को बता देना कि उसकी दस्तावेजात मेरे पास है, जर्मनी की जानिब से जो असलिहा खुफिया तौर पर पहुंचाया, उसकी दस्तावेजात। जनाब रुडोल्फ, आपके बयान से पहले वजाहत कर दें, गौर से सुनिए। बरतानवी और जर्मन सिफारतखानों में हमने जो दस्तावेजात भेजी हैं कि जर्मनी ने जनूबी अफ्रीका की अस्करी मदद के लिए असलहा फराहम किया है, उससे दोनों मुल्कों के दरमियान फासला हो गया। क्या ऐसा ही है? अंग्रेजों ने सिफारती जंग छेड़ दी है जनाब। जैसा सोचा था हमने तहसीन पाशा, जर्मन शहनशाह ने आपको भेजा है ये बताने के लिए कि अगर अंग्रेज जंग छेड़ेंगे तो जर्मन भी हर हाल में उस जंग से पीछे नहीं हटेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। शहंशाह विलियम ने कह दिया है कि वो जल्द इसका बाकायदा ऐलान भी कर देंगे। अब हम दोस्त बन चुके हैं, लेकिन अभी हम नहीं चाहते कि ऐलान किया जाए। अंग्रेज अगर एक बार जंग का ऐलान कर दे तो फिर जर्मन भी उसमें शामिल हो जाएंगे। अपने शहंशाह के इस फैसले से आप यकीन करें मैं बहुत खुश हूँ। हमें रेलवे मंसूबे के लिए और असलहे की तिजारत के मामले में
आपकी हर शर्त मंजूर है। मामला जल्द अंजाम तक पहुंचाएं। जो आपका हुक्म सुल्ताने मोहज़्ज़म। सेनी हाँ। किस इंसान के लिए हर एक लम्हे में अपने वालिदैन के चेहरे पर थूकने से ज्यादा कुछ बदतर हो सकता है महमूद? इतना गलत काम भला कोई कैसे कर सकता है? ठीक कह रहे हैं महमूद, किसी भी गैर मुस्लिम के साथ मिलकर अपनी रियासत के खिलाफ काम करना इतना ही बदतर है। अब्दुल अजीज को किसने मारा सनेहा? अंग्रेजों ने। जबकि आपके भाई सुल्तान मुराद को तख्त पर किसने बिठाया सनेहा? अंग्रेजों ने। अगर अंग्रेजों की मदद शामिल हाल ना होती तो क्या आपके भाई को दोबारा तख्त पर बिठाने की कोशिश करते हम? कभी किसी की मदद नहीं ली हमने। नहीं सनेहा, नहीं। उस रात आपके भाई मुराद को आपने और मैंने खाने की दावत नहीं दी थी, तख्त पर बैठने की दावत दी थी। क्या हमारी ऐसी कोई कोशिश अंग्रेजों की मदद के बगैर मुमकिन थी? ये सब आप भी जानती हैं, मगर अनजान बन रही हैं। रुक जाइए महमूद, बस कीजिए। आपने जो कुछ किया उसका कोई खास जवाब नहीं था। आप तकरीबन फांसी चढ़ने वाले हैं। बातें बंद कीजिए और सोचिए कि अब हमें क्या करना है। महमूद की मौत से सबको सुकून मिल जाएगा। इस वक्त हम अपने लिए परेशान हैं, ना आपके लिए महमूद, बल्कि सबाहतीन के लिए परेशान हैं। सबाहतीन? क्या हुआ सबाहतीन को? आपके उन गद्दार दोस्तों ने सबाहतीन को अगवा कर लिया है, बदले में आपकी रिहाई चाहते हैं। इतनी जुर्रत उनकी! अफसोस है उन बुजदिल बेईमानों पर। ये बातें बंद कीजिए महमूद, बस कीजिए। वो अगर आपके सामने आपके बेटे को ज़िबाह भी कर दे तब भी आप उनसे अपना ताल्लुक कभी खत्म नहीं करेंगे। वो आपके दिलो दिमाग पर काबिज हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है। अब अपना मुंह बंद रखिएगा और हमारी बात गौर से सुनिए। हमारे पास एक तरकीब है। रात 10 बजते ही आप मोमबत्तियों को गिराकर यहाँ आग लगा देंगे, समझ गए आप? उसी वक्त अब्दुल कादिर को उनके कमरे से बाहर निकालूंगी मैं। उस वक्त अब्दुल कादिर के कमरे में जाकर सुरंग के रास्ते से महल से बाहर जाएंगे आप। अंग्रेज बंदरगाह पर आपका इंतजार कर रहे होंगे, उनसे जाकर मिलना है। सनेहा, आपके मंसूबे के मुताबिक आग तो मैं लगा दूंगा, लेकिन अगर आग लगने के बाद मैं यहाँ से निकल नहीं पाया तो मैं तो ऐसा बन जाऊंगा जैसे भुना हुआ बकरा कोई। डरिए मत, नहीं जलेंगे आप महमूद। दरवाजे पर सिपाही मौजूद है, निकाल लेंगे आपको। क्या लगता है ये मंसूबा कामयाब होगा? अगर अब्दुल कादिर के हाथों वो तस्वीर खराब हो गई और उन्होंने महल से निकलने तक सुल्तान को इस बारे में नहीं बताया तो यकीनन कामयाबी हासिल होगी। इंशाल्लाह सनेहा, जैसा कहा है वैसा कीजिएगा महमूद। आपने हमारा काम तो बढ़ा दिया, मगर इससे महमूद पाशा को कोई फायदा नहीं होगा। असल चाल तो हम चलेंगे। अब बताओ मुझे, क्या है वो इतना अहम मसला? उमर, उसके पास आपसे मुतालिक कुछ अहम दस्तावेजात है। वो सब असलहे से मुतालिक है। उसने कहा कि आप अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनों को असलहा फरोख्त कर रहे हैं और ये कि आप यूरोपियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वो एक बहादुर जवान है, मगर तुम्हारा दोस्त ख्वाब देख रहा है। मैं
सुल्तान का वफादार ताजिर हूं। अपने दोस्त से कहना मुझसे आकर मिले और मुझे पहचाने। मुझे नहीं लगता कि वो यहां आएगा। वो यहां नहीं आना चाहता और मैं भी नहीं चाहता कि उसे कोई तकलीफ पहुंचे। हम किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर तुम्हें लगता है और वो भी मोहताद है तो मैं बंदरगाह जा रहा हूं। आज रात में 10 जहाजों के साथ पाए तख से रवाना हो जाऊंगा। बंदरगाह पर काफी लोग होते हैं, वहां आकर वो मुझसे मिल सकता है। ठीक है, मैं बात करता हूं उमर से। उमर के पास जो मालूमात है वो मुझे बर्बाद कर देगी, उसे लाजमन राजी करना होगा। तुम जरूरत के मुताबिक बंदरगाह पर तैयारी करो। सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं, आप हमेशा फतेह याब रहे। उस दुश्मन ने हमारी मिल्लत के हुकूक गस्प कर लिए, बूढ़ी माओं को दुआ के लिए मजबूर किया। अल्लाह हमारे बेटों की हिफाजत फरमाए। उनका त्यौहार था, हमने एहतमाम किया और सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रियासत की सफाई हो चुकी है, लेकिन गद्दार कभी खत्म नहीं होते। वो पुश्त पर वार करने का इंतजार करते हैं। शहर हमारे सोने का मुंतजर है पाशा हजरत। अब से हमारे दिल और आंखें हमा वक्त जागती रहेंगी। मेरे सुल्तान, अंग्रेज, अतालवी, फ्रांसीसी, रूसी हर जानिब से हमले कर रहे हैं, हमारी सांसों की डोर काटना चाहते हैं। ऐसा क्यों है सुल्तान? पाशा, एक बार फिर तस्दीक करते हैं हम कि उनका हर कदम, उनकी जुबान से अदा हुआ हर लफ्ज और उनका हर फैसला एक ही मकसद के तहत है। ये पैगाम है कि आलम इस्लाम की फिक्र करना छोड़ दी जाए, मुसलमानों और मजलूमों की परेशानियों के हल के बारे में सोचना छोड़ दिया जाए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ना तुम्हारे लिए अमन होगा और ना किसी और के लिए। जो लोग अपने आराम के लिए अपने भाई को आग में धकेल दें, अपनी खुशी के लिए जिल्लत को गले लगा लें, रोजे महशर पैगंबर अकरम का सामना कैसे कर पाएंगे? बेकार है ऐसी जिंदगी, कोई फायदा नहीं। क्या इज्जत और वकार की एक सांस जिल्लत से भरी जिंदगी से बेहतर नहीं है? उनकी झूठी जन्नत, झूठे वादे एक मासूम के आंसू के बराबर भी नहीं है। ये कल भी थे, आज भी हैं और कल भी मौजूद रहेंगे। अल्लाह रहम फरमाए हम पर। सारी दुनिया को बता दें, अगर एक उस्मानी भी जिंदा बच गया मतलब उम्मीद बाकी है। उस उम्मीद के चिराग को बुझाया नहीं जा सकता और वो जानते हैं कि इस चिराग को बुझाना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में ऐलान कर दें, गैर मुस्लिम चाहे कुछ भी कर लें, हम मुसलमान मुकाबला करते रहेंगे। और जब तक हम जिंदा हैं, यतीमों और मजलूमों को सहारा देने के लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर हम ईमानदारी से फराइज अंजाम देते रहे तो मशरिक ता मगरिब पूरी दुनिया चाहे हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए, वो हमारे जज्बे की आग को नहीं बुझा सकेगी। जो इस बात का कायल नहीं वो हमारे दरमियान नहीं रह सकता। एक इत्तला मिली है, हम जायजा लेने के बाद उससे मुतालिक अपना फैसला सुनाएंगे। तहसीन पाशा हमारी जानिब से किसी को फांसी देंगे, जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता ना बाहर से उस कमरे में कोई दाखिल होगा और ना कोई अंदर से बाहर जाएगा। खबर क्या है मेरे सुल्तान? हम पर हमला होने वाला है।
पाशा। आ जाइए। सुल्ताना, सनेहा सुल्तान बावर्ची खाने में आपका इंतजार कर रही हैं। वो वहां क्या कर रही हैं? वजह नहीं जानती मैं सुल्ताना। ठीक है, आप जाइए। रुक जाओ। मैंने जाहरूफ से बात की थी। अच्छा, कहां मिलेगा वो? मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा वहां। जो पूछना है उससे पूछ लेना। और हां, जैसा तुम कह रहे थे वो बिल्कुल वैसा नहीं है। तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। थोड़ी रकम जेब में आते ही अंधे हो गए हो तुम। ठीक है, बस बहुत हो गया, चलो अब। अकेले ही जाऊंगा मैं। बताओ कहां है वो? बंदरगाह। चलो जल्दी चलो, उसका जहाज ठीक 10 बजे पाया तक से रवाना हो जाएगा। देखकर बहुत खुशी हुई जनाब का रसू। सब ठीक तो है? सारा मर गई। कोई सवाल मत पूछना। तुम खुद ही बताओ, मैं इतनी बुरी खबर सुनकर कैसे चुप रह सकता हूं? कैसे मरी वो? अब्दुल हमीद ने उसे मार डाला। इस सामान का क्या करोगे तुम? मैं वो सब जमा कर रहा हूं जो वो छोड़कर चली गई है। सारा बहुत अजीब औरत थी। उसके लिबास से ज्यादा कीमती उसके राज थे। उसके जितने भी राज थे सब एक एक करके जमा करूंगा हिरम। वो मेरे बारे में भी बहुत कुछ जानती थी। फिक्र मत करो, हम सारा का इंतकाम भी लेंगे और राज भी जमा करेंगे। आ जाओ। याकूब साहब, हमारे सुल्तान ने रोश हशाना के मौके पर महल से तोहफतन आपके लिए खाने और फल भेजे हैं, और उन्होंने इस दिन की मुनासबत से नए ख्वाहिशात का पैगाम भेजा है। मेरे नजदीक अब्दुल हमीद रियासत के ही नहीं दिलों के भी सुल्तान हैं। उन्हें मेरा शुक्रिया कहिएगा। महल का अमला खाना लेकर आया है आपके लिए, इजाजत है आपकी? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने खाना तो देख लिया मगर मुझे नहीं देखा। आप कितने लालची हैं बाबा। थियो,
बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई और हुक्म है मेरी सुल्ताना? एस्मा को देखा है तुमने? नहीं सुल्ताना, वो कमरे से बाहर कम निकलती हैं। आपको किसी और चीज की जरूरत है? नहीं, आप जा सकती हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं अब्दुल कादिर? वालिदा, आप ही के पैगाम पर हम यहाँ आए हैं। मगर हमने तो नहीं बुलाया। अस्मा ने आकर हमसे कहा कि स्नेहा सुल्तान यहाँ हमारी मुंतजिर है। लगता है कोई नया मंसूबा है। कोई बात नहीं वालिदा, हम आपके पास वैसे भी आना चाहते थे। तस्वीर दोबारा छाप ली हमने, अब उनका खेल खत्म होने वाला है। इनसे मिलिए, यह है मेरे वालिद मोहतरम, वो खास यहूदी जिन्होंने अब्दुल हमीद के एतमाद को पूरी तरह जीत लिया है। तुमने एतमाद कहा ना? किस किस्म का एतमाद? इतना है कि उसके लकड़ी के कारखाने में उससे अकेले मुलाकात कर लेते हैं। ये तो वाकई हैरानी की बात है। जनाब हर्जल जब वियना में थे तो मुझसे भी मदद तलब करने आए थे। उस वक्त इनकी हालत अबतर थी। लगता है अब्दुल हमीद ने इन्हें भी बड़ा आदमी बना दिया है। अब्दुल हमीद से आपकी दुश्मनी क्या हो सकती है? मैं ये नहीं समझ सका। वो एक अजीम इंसान है। थियो, मुझे अंदाजा है कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम्हारे वालिद हमारे काम आ सकते हैं। मेरे वालिद की कमजोरी मेरी वालिदा है। मेरे बाबा अब्दुल हमीद को मारने से इनकार करेंगे क्योंकि वो इन्हें अजीम इंसान लगता है। और फिर ये कातिल हिरम मेरी वालिदा को मार देगा। क्या मैं ये बर्दाश्त कर लूंगा? नहीं, नहीं बर्दाश्त कर सकोगे थियो, बिल्कुल भी नहीं। जनाब जैकब, मैं तो कहता हूं कि आप अब्दुल हमीद को इंसानियत की खातिर मार डालें। थियो के लिए, थियो की मां के लिए और खुद अपने लिए। अब्दुल हमीद के लकड़ी के कारखाने में आप जैसे ही दाखिल होंगे, ये दुनिया एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ दुनिया बन जाएगी। अब्दुल हमीद दफन कर दिया जाएगा। वक्त हो गया। और कागज चाहिए होंगे? हाँ। तो ये है तमाम सूरत-ए-हाल। यूनान में हमारे एक जासूस का कहना है कि हमारे दस्ते पर हमला होगा। कौन से दस्ते पर हमला होगा, क्या ये बताया? बदकिस्मती से नहीं पाशा। आप बताइए पाशा हजरत, अगर यूनान हम पर हमला करता है तो
हमें क्या करना चाहिए? मेरे सुल्तान, जंग बढ़ाने के बजाय अमन का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। पाशा ने ठीक कहा मेरे सुल्तान, जंग से बचना चाहिए। रियासत के वकार का तहफ्फुज करना जरूरी है, हमें शिकस्त भी हो सकती है, जंग ना करना ही मुनासिब है। सुल्तान माजम, मुझे लगता है कि यूनान के पीछे और दूसरी ताकतें भी होंगी, जंग की सूरत में हमारा भारी नुकसान होगा। हम उस्मानी हैं, क्या फरार हो जाएं? वो हम पे हमला करने के लिए तैयार हैं, और हम अपना दिफा भी ना करें। फरार नहीं होना चाहिए यकीनन, जंग की सूरत में सिफारती उमूर रियासत को मुश्किल में डाल सकते हैं। अक्सरियत का कहना है कि जंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा ही है। कहाँ है वो? वो यकीनन यहीं कहीं होंगे। पिस्तौल दो, पीछे हटो। जनाब जाहरुफ का हुक्म है, कोई हथियार नहीं। ठीक है भाई, ठीक है। उमर, पिस्तौल मुझे दे दो। दो उमर। ठीक है, पिस्तौल मेरे पास है, मैं यहीं रुकूंगा। महमूद, बाहर एक बग्गी आपके इंतजार में होगी, वो जानते हैं कि आपको कहां लेके जाना है। सेनेहा, आप ही मेरे साथ चलें, जो कुछ भी हो, आखिर मेरी अहलिया हैं आप, मेरा खजाना है, मेरा सब कुछ आप हैं, मेरे साथ चलें। हम नहीं जा सकते महमूद, आप जाइए, अब देर मत कीजिए। कोई है? हम शहजादा अब्दुल कादिर हैं, दरवाजा खोलो। वालिदा, आप ठीक हैं? अब्दुल कादिर, तस्वीर। अब्दुल कादिर, उन्हें तस्वीर चाहिए। दरवाजा खोलो, हम शहजादा अब्दुल कादिर हैं। तस्वीर दे दो हमें। अब्दुल कादिर, इन्हें तस्वीर दे दीजिए, दे दीजिए, वरना हम। नहीं वालिदा, नहीं। तस्वीर दो हमें। हम शहजादा अब्दुल कादिर हैं, दरवाजा खोलो। वालिदा, दरवाजा खोलो। अब्दुल कादिर, तस्वीर नहीं दी तो दरवाजा नहीं खुलेगा। दे दीजिए शहजादे, उन्हें तस्वीर, वरना हम मर जाएंगे। दे दीजिए। दरवाजा खोलो। असली तस्वीर कहाँ है? सुर्ख कमरे में, दरवाजा खोलो जल्दी। वालिदा, वालिदा, सुकून हो जाएं। आग हरम के सिर्फ एक हिस्से में लगी है, इंशाल्लाह जल्द सब ठीक हो जाएगा। आग सिर्फ दो तीन कमरों में ही लगी है, आप लोग फिक्र ना करें। फहीमे, शुक्र है आप ठीक हैं। बिल्कुल आप ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। हमारी वालिदा को देखा? नहीं शहजादी, तलाश करें उन्हें। ठीक है।
अल्लाह जाने क्या हुआ था। तुमने अल्लाह सब क्या अपने बीदार सुल्तान को देखा है? नहीं खातून, हमने नहीं देखा। बीदार सुल्तान को देखा है तुम लोगों ने? नहीं हमने नहीं देखा। बाबा। बेटी, यूसुफ कहाँ है वो? 10 बजे का वक्त है उमर, लगता है हम जल्दी आ गए। ओ यूसुफ भाई, कैसे हैं आप? कौन हो तुम? और कौन होगा, तुम्हारे नए दोस्तों में से ही एक होगा। आइए इस्माइल भाई आ गए। कौन? यूसुफ, ये मसला हल हो जाए फिर देखता हूं मैं तुम्हें। अलविदा पाए तख्त, आज एक मुजरिम की तरह फरार हो रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द बहुत ही शान से वापस आऊंगा मैं, और तुम तालियों से मेरा इस्तकबाल करोगे और मेरी राह में फूल निछावर करोगे। कोचवान, इस बग्घी से तुम अपनी रोजी रोटी कमा रहे हो, तुम्हारी परेशानी इतनी ही है कि कहीं बारिश ना हो जाए और या कहीं आंधी ना आ जाए, सड़क खराब ना हो, बस यही। और मेरी तुम्हारे मुकाबले में परेशानियां बहुत गंभीर हैं कोचवान, बहुत गंभीर। मैंने अपनी कौम की मोहब्बत में, अपनी मिल्लत की खातिर एक बहुत ही बड़ी जंग का आगाज कर दिया है। तुम बस रोजी कमाओ, तुम्हारे लिए भी मैं लड़ूंगा। हमारा मकसद जंग नहीं है, लेकिन अगर वो हमसे पाए तक छीनना चाहते हैं तो क्या करें? हथियार डाल दें? अगर आया सोफिया हमसे मांगे तो क्या उन्हें हत्या कर दें? दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन यूनानियों के साथ अगर हमारी जंग छिड़ गई तो बर्तानिया और रूस खामोश नहीं रहेंगे। हमने उन दोनों रियासतों के हाथ बांध दिए हैं, क्या अब भी नहीं लड़ना चाहेंगे? मैं तो हम का ख्वाहिशमंद हूं सुल्तान मोहसम। आग लगाने से पहले हिफाजती इकदाम करने पड़ते हैं, फैसले में आपकी शमूलियत चाहते हैं। मशवरा करने का मकसद भी यही है कि हमारा नहीं रियासत का फैसला हो, लेकिन इस दौरान यूनान हमारे किसी मोर्चे पर हमला भी कर चुका होगा और हम यहां बैठकर सिर्फ मशवरे ही कर रहे हैं। हम में से तो कुछ लोग जंग लड़ना ही नहीं चाहते। रुको, यही बात होगी।
कहो क्या कहना है जवान, सुन रहा हूं मैं। मैं कुछ कहने नहीं, सवाल करने आया हूं। सवाल करने? लेकिन तुम्हारे दोस्त ने हमें बताया है कि तुम्हारे पास हमारे कुछ दस्तावेजात हैं। अगर यूनानी जंग से मुतालिक असलहा की दस्तावेजात दे दो तो तुम्हारी दस्तावेजात वापस कर दूंगा। इस बारे में क्या जानते हो? जो असलहा तुमने यूनान पहुंचाया है। मैं एक ताजिर हूँ, सबको असलहा फरोख्त करता हूँ। अगर दस्तावेजात नहीं है तो सौदा मुमकिन नहीं। मुझे उस जगह का नाम बताओ जहाँ तुमने असलहा पहुंचाया है। अपनी मालूमात अपने पास रखो नौजवान। बहुत शुक्रिया। उमर, उमर, छुप जाओ, ये एक जाल है। उमर, पीछे नजर को। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो अपने दोस्त को कत्ल कर दो। उमर, अगर तुम बता दो तो अपनी जान बचा सकते हो। अब क्या करें? भाई, अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो तुम्हें जान से मारने की धमकी देकर मुझे मजबूर करेंगे। यूसुफ, मुझे सुल्तान के बारे में बहुत कुछ मालूम है। क्या मतलब है? हमारा बचना मुश्किल है, हम मारे जाएंगे। यूसुफ, जल्दी मार दो इसे, वरना तुम दोनों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। वक्त जाया नहीं करो यूसुफ। गद्दार इंसान। भाई, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें इनकी बात माननी पड़ेगी। जल्दी करो, पिस्तौल उठाओ, पिस्तौल उठाओ यूसुफ, जल्दी करो, उठाओ यूसुफ। गोली चलाओ यूसुफ, मार दो अपने दोस्त को। भाई, हम शहीद हो जाएंगे। अगर मैं पकड़ा गया तो सल्तनत में आग लग जाएगी जो मिल्लत को चला देगी। चलो, तीन की गिनती पर हम दोनों शहीद हो जाएंगे। देखो, हम दोनों के पास एक एक गोली है, कोई गलती मत कर देना। जल्दी करो यूसुफ। एक, दो। नहीं, नहीं कर सकता मैं, बिल्कुल नहीं उमर। तो ठीक है भाई, मैं अपना रास्ता बना लेता हूँ। उमर, उमर ऐसा मत करो, तुम कहीं नहीं जाओगे, उनसे बात करते हैं हम, हो सकता है कोई रास्ता निकल जाए। मैं पुश्तैनी नहीं हूँ। उमर, मुझे जाने दो। ऐसा मत करो उमर। जाने दो। उमर, यूसुफ, शाबाश मेरे शेर, कोई गोली नहीं चलाएगा। कोचवान,
कोचवान, ये तुम मुझे कहां लेकर आ गए हो? हम यहां क्या कर रहे हैं? कोचवान, तुमसे पूछ रहा हूं मैं, सुनाई नहीं देता, बहरे हो। मैं बहरा नहीं हूं पाशा, आपको रुखसत करने आया हूं मैं, इतनी आसानी से आपको जाने नहीं दे सकते। चले पाशा। सिपाहियों, तहसीन पाशा, तुम्हारे सफर का इख्तिताम यही होता है। तहसीन पाशा, ये क्या कर रहे हैं आप? सुल्तान मुअज्जम, आपका हुक्म था कि कोई भी अंदर ना आए, लेकिन मेरी जान से भी ज्यादा कीमती वो खबर है जो आप तक पहुंचानी है। आ जाओ। यूनान की सरहद से उस्मान पाशा, पढ़िए इसे। हमारे मरकजी दफ्तर में यूनानी चौकी से यह खबर आई है, जब सिपाही रियासत से गद्दारी करने वालों का अफसोस मना रहे थे तो एक अफसोसनाक खबर मिली। कितना बड़ा इम्तिहान होता है जब एक भाई अपने ही भाई से मुंह फेर ले। बदकिस्मती से यूनानी सरहद से एक सिपाहियों का लश्कर हमारी चौकी पर हमला आवर हुआ। सुबह तक जो सिपाही उनके लिए सामान की खरीदारी करते थे, रात को आकर उन पर ही गोलियां बरसाने लगे। अफसोस के साथ इत्तला दे रहे हैं कि यूनान ने सरहद पर अपना परचम लहरा दिया है। उन्होंने मुसलमानों, यहां तक के औरतों और बच्चों का भी कत्लेआम किया, खवातीन की बेहुर्मती की। सुल्तान मुअज्जम, हमारी मदद कीजिए। अगर मरना पड़ा तो मर्दों की तरह जान दे देंगे, लेकिन यूनानियों के जुल्म के आगे हमें तनहा मत छोड़िए। दस्तखत, कप्तान जलालुद्दीन। ये परचम उन लोगों का परचम है जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं। यह परचम जब उस्मान गाजी बाज़ंतीनियों पर हमलावर हुए तब भी यह लहराया था। यह परचम इस्तांबुल की फतह के वक्त शहर की फसीलों पर अपनी बहार दिखा रहा था। यह परचम जो यूनानियों को वियना में परेशान करता रहा, जालिमों के लिए भयानक ख्वाब है। यह परचम फातहीन का परचम है। अल्लाह हमें भी फतह नसीब फरमाए। हमारा आजम जीत है। अल्लाह हमें जफरयाब करे। हमने अहद किया है कि मरते दम तक लड़ते रहेंगे। दुनिया को बता देंगे हम कि फतह याब कैसे हुआ जाता है। अहद पूरा करेंगे। ज़ादे और हमें जिसने जलाने की कोशिश की थी वो आज भी हमारी नजरों से ओझल है। महल कब पहुंचेंगे फिरोजे बाजी? बाबा की बहुत याद आ रही है। बस पहुंचने वाले हैं शहजादी। याद रखें, खलीफा इस्लाम की पीठ में खंजर खोपना है हमें। एक ही रात में पाए तख्त पर हमलावर हो सकती है। अभी आपने बहुत कमजोर रियासत के खिलाफ जंग जीती है। अंग्रेज अफवाज जंग लड़ना जानते हैं। जाओ। वो उस बंदरगाह से जहाजों को निशाना बनाया गया है। बर्तानवी जहाज गर्क हो चुके हैं। ये सब क्या कह रहे हो तुम?